सिखाए, छोटे छोटे बच्चे और यहाँ पर खासकर जो लोग जो पोथी धम्म ग्रंथ लेकर चल रहे हैं उसके द्वारा जो आशीर्वाद है, आशीष है और मंगल कामनाएं हैं वो लोगों को देने का काम कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा। महान ज्ञानी हुए थे बुद्ध भगवान के बाद, उन्होंने कंजूर को अपने तरीके से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश में इन्होंने इस तरह कंजूर को देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ और साथियों, जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं कि जो धम्मपद ट्रस्ट है लगातार विश्व शांति निवारण अभियान के तहत जगह जगह जा रहा है और जगह जगह लोगों को धम्म के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रहा है। अभी वर्तमान में हम कुल्लू में हैं और कुल्लू में जिस तरह से आप देख पा रहे हो मेरे पीछे में बहुत बड़ा जत्था है भिक्खु संघ का और यहाँ पर आज एक विशेष कार्यक्रम है, तो उसी कार्यक्रम के बारे में मैं जानना चाहूंगी। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम तेंजिन छोग्याल। सर कुल्लू से ही है? बिल्कुल, मैं यहीं से हूँ। सर जानना चाहूंगी आज जो ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है तो ये क्या है और क्यों हो रहा है? ये हर वर्ष हमारा वो पाठ पढ़ाया जाता है, ये कंगूर बोलते हैं इसको, 108 होता है वो, हर वर्ष इसी वक्त में इसी महीने में होता है और फिर इसका परिक्रमा किया जाता है। चार से पाँच दिन लगते हैं, 108 ग्रंथ होते हैं, ये पोथी होती है। सर ये भी जानना चाहूंगा जिस तरह से आप बता रहे हैं 108 ग्रंथ होते हैं, तो ये जो यात्रा होती है कितने दिन की होती है? ये तो यात्रा 4 से 5 घंटे की होगी, ये पूरा अपने गांव वासी जो भी है जिसने भी अपना अंशदान दिया होता है, जो भी दान करते हैं उसी के उन्हीं के घर से पूरा परिक्रमा करके दोबारा फिर अपने मंदिर में आते हैं गुम्पा में। मतलब जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं प्रॉपर आप वहीं से गुजर के जाते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी के उससे गुजरते हैं सभी। हाँ तो सर ये जानना चाहूँ कुल्लू में अभी जो बौद्ध धर्म की स्थिति है वो कैसी है? ठीक है, बहुत अच्छा है, हमारा भाईचारा दोनों से है, कई बरसों से है हमारा। ये जहाँ पे हम ये मंदिर है 1953 का बना हुआ है। मंदिर कहाँ पे बना हुआ है सर? ये भुंतर में है, साथ ही में। अच्छा भुंतर में है, साथ में ही है। तो देखिए अभी सर ने जिस तरह से बताया और भी लोग हैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर भिक्खु संघ है उससे भी जुड़ने का प्रयास। बंदे जी आपका नाम क्या है? जमसो तमंग। हाँ बंते जी, जो ये यात्रा निकल रही है धम्म यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है? हाँ जी, आज हमारा कुछ दिन पहले मतलब पूजा चल रहा था कल परसों से जी। तो आज पांचवा दिन है, तो हमारा मंदिर में जो पूजा रखा था वो पूजा खत्म हो गई। आज पूरा ये जो सूत्रा जो माम ले गए मतलब पूरा ये गांव घूम रहे, धर्म चक्र बोलते इसको, है ना, धम्म चक्र यात्रा जी। बंते जी इसका उद्देश्य क्या है? तभी इसका उद्देश्य तो आप हिंदी में इसको कैसे बोलते हैं, मेरे को इतना हिंदी तो पता नहीं ना, मतलब इनको पूछो क्या पता इन लोगों को। अच्छा तो हिंदी किसको आती है, किस किस को? हिंदी आने वाला कोई पीछे भी होगा शायद, है ना। अच्छा तो जी जी, तो भंते जी को हिंदी कम आती है, लेकिन देखिए आप जिस तरह से महाकाणिक तथागत बुद्ध की जो स्टैचू है उसको लेके तमाम भिक्खु संघ इस धम्म यात्रा में जुड़ा हुआ है और वास्तव में बहुत ही अद्भुत और सुंदर नज़ारा कुल्लू हिमाचल से आपको मैं दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी भंते जी ने बताया है और जो उपासक थे उन्होंने भी यहाँ पर बताया कि एक फेस्टिवल चलता है हर साल और यहाँ पर पूरे इलाके की जो परिक्रमा होती है, एक तरह से धम्म यात्रा इसको हम कह सकते हैं, वो निकाली जाती है और यहाँ पर उपासक भी आप देख सकते हैं किस तरह से आशीर्वाद लेते हुए। तो आइए मैं कुछ लोगों से जो यहाँ के लोकल है उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। सर नाम क्या आपका? रूपलाल। यहीं रहते हैं? हाँ जी। सर ये जो धम्म यात्रा निकल रही है इसका उद्देश्य क्या, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे? पोती 308 पोती है ये ग्रंथ के लिए पूजा करके 7 दिन पूजा किया है हमारे मंदिर में जी। 7 दिन के बाद ये पूरा पूरी गांव में फिर इसको दर्शनों के लिए पूरा अच्छे प्रभाव के लिए गांव-गांव से लेकर अपने किसी के घर में खाना है, किसी के घर में चाय है, किसी के घर में ठंडे हैं जी। तो हम सुबह 9 बजे से स्टार्ट किया है अपना तारा मंदिर भोंतर से, तो अभी हम उधर से होके शमशीपुरा घूम के अब यहाँ पर भी हमारा 2-4 टोल है, कोई घर नहीं छोड़ते हम। अच्छा, तो उसी तरह पूरी गांव की तेगुबेड़ शमशी से लेकर के भूंतर से सबके अच्छा परिवार के लिए, अच्छा दिन के लिए जी, लोगों के मंगल मैत्री के लिए इस यात्रा को निकालते हैं आप जी। हाँ जी हाँ, साल में एक बार निकालते हैं, साल में एक बार निकालते हैं, तो यही महीना होता है? हाँ यही महीना होता है, यही महीना होता है, आज लास्ट दिन है ना इसका। भंते जी आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम वैसे तो सुठिम नमजल है,
फिर घर का नाम सोनम तेंजिन नेगी भी कह सकते हैं। बंदे जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कुल्लू में, क्योंकि पहली बार हमने देखा है कि इस तरह की धम्म यात्रा निकल रही है और काफी लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं इस धम्म यात्रा को देखते, तो क्या लगता है इस तरह की धम्म यात्राएं लोगों के मानव कल्याण के लिए कितनी जरूरी है? जहाँ तक कि अभी हम जिस तरह से दुख भोगते हैं, और जैसे कि किसी अब जैसे कि जानवर, किसी तरह के पशु पक्षी हो गए, किसी तरह बाकी जीव जंतु हो गए, उनके बारे में भी सोचेंगे तो जैसे कि एक दूसरे को काटना, खाना, बड़े जानवर छोटे जानवर खाना, इस तरह की दुख, बहुत सारे ऐसे दुख हैं जिससे हम ग्रंथ को पढ़ने अकेले से हम वो क्या बोलते उनका उनको सुख परम सुख की प्राप्ति नहीं करा सकते, इसलिए हमें इस तरह की धर्मों को करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी भंते जी, जिस तरह से धम्म यात्रा निकल रही, तो जानना चाहूंगी यहाँ पर जो बुद्धा मोनेस्ट्री है, खासकर जो छोटे छोटे मॉन्क होते हैं जो चीवर में रहते हैं, क्या उनके लिए एजुकेशन होती है? हाँ जी, जरूर जरूर होती है। जैसे कि अब मोनेस्ट्री में आजकल जैसे कि इंग्लिश पढ़ाना हो गया, हिंदी पढ़ाना हो गया, और उसी साथ हमारे जो बोटी भाषा हो गई, इस तरह के कई 5-6 तरह के क्लासेस लगाकर उनको सिर्फ बोटी अकेले का ना पाठ कराकर अलग भाषाओं में भी उनको उनका क्लासेस लेकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की हमारी कोशिश रहती है हमेशा। जी बंते जी, ज़्यादा फोकस धम पे होता है या बेसिक जो एजुकेशन होती है, जो एकेडमिक एजुकेशन होती है, उस पे होता है? बेसिक मेन तो जो ज़रूरी है वो तो हमारा बोटी भाषा होगी, उसके साथ ही अगर हम बोटी भाषा हो गए, बुद्ध जो बुद्ध शास्त्र मुनि हो गए, उनके धर्मों को अगर बढ़ाना होगा तो आगे, तो उसके लिए हमें सिर्फ बोटी भाषा जानने अकेले से उस धर्म को हम आगे दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम उसके लिए हिंदी भी सीखें, इंग्लिश भी सीखें और दूसरी तरह की भाषाएँ भी सीखें। जी मतलब कई लैंग्वेज के साथ साथ में धम का प्रचार ताकि अच्छे से हो सके, क्योंकि भारत है बहुल भाषी देश है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो भंते जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरह से ये यात्रा का आयोजन किया गया है और जो भिक्खु संघ है अपने कंधे पर कुछ ग्रंथ है, शायद ये धम ग्रंथ है, तो इसमें किस तरह की बातें हैं, थोड़ा सा ये और हमारे दर्शकों को बताएं। ये मतलब जब बुद्ध भगवान जब उन्होंने बुद्धा की प्राप्ति की तो उस समय उन्होंने बहुत सारे ऐसे उपदेश दिए थे उनको उनके शिष्यों ने, जैसे कि आनंद हो गए, आचार्य आनंद हो गए, उन्होंने भविष्य में और अपने धर्म को मतलब बुद्ध भगवान के प्रवचनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके जो प्रवचन है, जो उपदेश है, उनको 108 ग्रंथ में लिखा गया है। तो अभी जो अभी हम ले जा रहे हैं उसको हम बोडी भाषा में कंजूर भी बोलते हैं, अभी तिंजूर भी, दो तरह के हैं। कंजूर जो बुद्ध भगवान की जो उपदेश है उन्हीं को उनको ही मतलब कंजूर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं धर्म को। तेंजूर का मतलब यह है कि तेंजूर को जैसे कि अब उसके बाद जितने भी महान ज्ञानी हुए थे बुद्ध भगवान के बाद, उन्होंने कंजूर को अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में इन्होंने इस तरह के तेंजूर को वो लिखा है। जी बंदे जी, एक सवाल और जानना चाहूँगा, क्योंकि आज जिस तरह से देश में एक सिनेरियो बनाया, कहीं ना कहीं लोग सांप्रदायिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे, लेकिन सही मायने में जो धम है उसका प्रचार प्रसार बहुत कम करें और धम के अनुसार बहुत कम चल, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि धम की जो गति है वो एक तरह से स्वच्छ तौर पर लोगों तक पहुँच सके? धर्म का मतलब तो यह है कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाना, चाहे वो छोटा से छोटा कीड़ा या जानवर क्यों ना, उनके लिए भी जितना हो सके परम सुख की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना, लोगों के मन को धर्म की ओर बदलना, इस तरह का चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी बहुत बहुत साधुवाद भंते जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भंते जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि धम का अगर मतलब देखा जाए तो साफ साफ ये है कि धम मानव कल्याण के लिए होता है और निष्पक्ष तरीके से सभी के लिए, जिस तरह चाहे जीव जंतु हैं या मनुष्य हैं, सभी के लिए मानव कल्याण के लिए काम करना और स्वच्छ व निर्मल मन से काम करना। छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे साथ में, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। आपका नाम क्या है? तेन जिंगल से। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? 5th। अच्छा, 5th क्लास में। अब ये बताइए आज ये हो क्या रहा है? पता नहीं। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा हो, पता तो मम्मी पापा ने बताया तो होगा? नहीं, बस ऐसे ही आए हो। तो कैसा लग रहा है, चलो ये बता दीजिए। गर्मी लग रही है। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा इस कार्यक्रम को देखते हुए। अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, गर्मी लग रही है। देखिए, कुल्लू है, कुल्लू शीतलता के कारण जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में काफ़ी गर्मी है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, अपनी राय अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हमारे साथ में, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। माता जी, नाम क्या आपका? हाँ जी, नाम टशी डोरमा। आज क्या हो रहा है ये? आज हो रहा है पोथी का परिक्रमा।
पोथी की परिक्रमा। ये 500 पोथी है जी। ये परिक्रमा क्यों की जाती है? ये सभी गांव के लिए, सभी के लिए अच्छा होते, शांति के लिए, सभी सुखदायक, सबके लिए, गांव के लिए अच्छा होते जी। तो देखिए, मानव कल्याण के लिए और सुख के लिए, सभी लोगों का अच्छा हो सके, इसलिए परिक्रमा की जाती है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से उपासक उपासिका, छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ पर खासकर जो लोग जो पोथी धम्म ग्रंथ लेकर चल रहे हैं, उसके द्वारा जो आशीर्वाद है, आशीष और मंगल कामनाएँ हैं, वो लोगों को देने का काम कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर सर भी है, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। सर नाम क्या है? मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर। राम प्रकाश ठाकुर जी यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं रही। जी बोलिए। तो सर, इस तरह की जो यात्राएं निकलती है, खासकर धम्म यात्रा है, तो इनको देखकर क्या प्रेरणा मिलती है? हमें तो बहुत कुछ मिलता है जी। बौद्धिस्ट मजहब में तो इसका सबसे बड़ा उपचार होता है। ये जो पढ़ाई है, जो चला हुआ गुम्पा में, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है जी। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रसाद पूरे, यानी भारत देशवासियों के लिए इसका वो जाता है जी, प्रसाद। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत देश में बहुत सारे संप्रदायक है, कहीं ना कहीं लोग मार काट की बात करते हैं, एक दूसरे से बदला लेने की बात करते हैं, लेकिन बौद्धिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कहीं ना कहीं करुणा, मैत्री, भाईचारे की बात करती है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की बात करती है। तो दोनों इन संस्कृतियों में किस तरह से बड़ा बदलाव देखते हैं आप, या अंतर देखते हैं? इसमें तो बौद्धिज्म में तो हमारा मार के पेट काट का तो कोई मायना ही नहीं रखता है जी। इसमें तो हर एक की, यानी कि गरीबों के लिए पूरा योगदान दिया जाता है, और हर कोई चीज़ है एक उस मूल पे चलता है जो कि हर समय धार्मिक का ख्याल रखता है जी। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो बौद्धिज्म है वो मानव कल्याण के लिए, शांति के लिए, और एक दूसरे का साथ भाईचारा स्थापित करने के लिए इस तरह का जो एक यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, और ये लोग लगातार इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो आइडियोलॉजी मानव को एक समान बताए, उस आइडियोलॉजी से भला कौन दूर रह सकता है। तो यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े। तो साथियों, मैं आपसे चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि कुल्लू की खूबसूरत नगरी से ये धम्म यात्रा आपको कैसी लगी।